अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? मैं शफ़ीक नाम से शफ़क बात कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि शफ़क खामोशी से काम करे जा रही है, हमें कुछ भी नहीं बता रही। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना ऑफिशियल कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपना रिव्यू दूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। तो आज मेरा मूड था डर्मा प्रोफेशनल वाइटनिंग फेशियल जो है बहुत अच्छा है। ये इसका रिव्यू मैं आपको दे सकती हूँ कि माशाल्लाह से अच्छा वर्क करता है। ये मैंने मास्क पे एप्लीकेशन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्लिनजिंग की थी, स्क्रब किया, तो ब्लीच की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं ब्लीच नहीं करती, क्योंकि थोड़ी सी फेस पर पिगमेंटेशन है तो मैं ब्लीच नहीं करती। तो उसके बाद मैंने टोनर लगाया है, इसका बहुत अच्छा टोनर है इसका। उसके बाद मैंने मसाज क्रीम लगाई है, और उसके बाद मैंने इसका वाइटनिंग सीरम थोड़ा सा कतरे लगाए, और एंड में मैं इसकी मास्क की एप्लीकेशन दी है। मास्क उतारने के बाद मैं आपको बता दूँगी, मैंने परफेक्ट वाइट पेंट जो है थोड़ी सी लगाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्किन वाइट हो जाती है। जिनको मैं एक बार बताऊँ, स्किन वाइट कभी भी नहीं होती आपकी स्किन, जो होती है वैसी एज जो अल्लाह ताला ने आपकी बनाई है, पर थोड़ी सी हो जाती है, लाइट हो जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बेल आइकन को हिट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है, फेशियल मैं कहूँगी इस वेदर में 15 डेज़ के बाद करवाना चाहिए, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा
स्वेटिंग वाला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, तो इसमें 15 डेज के बाद करवाना चाहिए। और अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो फिर मंथ के बाद करवाना, मंथ के बाद मस्त हो जाता है। अपना और अपने लेडीज लोगों का ख्याल रखें। इसके साथ ही मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। मुझे दुआ में याद रखा करें और शेयर करना मत भूला करें। इसके साथ ही मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि जब आप कुछ भी, यानी कि आप पार्लर नहीं आ सकती या बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए पार्लर आना, तो आप कोई सा भी स्क्रबिंग और कोई सा भी आप जो होता है क्लिनजिंग लगाएं।